भारत सरकार ने डायन कुप्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाने और डायन पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छुटनी महतो को पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। मगर 21वीं सदी के झारखंड में आज भी डायन कुप्रथा का बोलबाला है। जिस छुटनी महतो को डायन कुप्रथा से लड़ने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, उसी छुटनी महतो के गृह जिला सरायकेला में बीती रात डायन के संदेह में एक भाई ने भाई की जान ले ली, जो कहीं न कहीं शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। डायन कुप्रथा के उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला सरायकेला थाना क्षेत्र के हुडुआ गांव का है, जहां एक भाई ने लकड़ी के कुंदे से अपने बड़े भाई की हत्या कर डाली। हालांकि हत्यारे भाई ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक की पहचान 70 वर्षीय साधु पूर्ति के रूप में हुई है। हत्यारे भाई का नाम विशुपूर्ति उर्फ पहलवान बताया जा रहा है। मृतक की बेटी के अनुसार उसका चाचा उसकी मां को डायन कहता था। इसको लेकर कई बार घर में विवाद हो चुका था। बीती रात भी उसके चाचा उसकी माँ को डायन बताकर मारने आए थे। बीच बचाव करने गए उसके पिता के सर पर लकड़ी के कुंदे से हमला कर दिया, जिसमें उसके पिता की मौत हो गई। इधर गाँव के मुखिया ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच संपत्ति विवाद था। वहीं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कौन एक केस वाला सबूत देगा ना, उसी को भी मारते जाएंगे जेल कोर्ट में दौड़ दौड़ के। हमको बोल रहे हैं अब सबूत केस में डलाइएगा तो आपको भी दौड़ दौड़ के मार के जाएंगे जेल। फिर आगे इससे जेल होगा, तुमको नहीं मारने से तो फिर जेल से आएंगे और तुमको मार देंगे। मैं ग्राम पंचायत गोविंदपुर के मुखिया समापूर्ति, आज ग्राम हड़ुआ में यहाँ पर जैसे कि हमको सूचना मिला था, जो मारने वाला जो मृतक का छोटा भाई है वो उसका विश्वपूर्ति और पहलवान बोलते हैं उसको गांव में, तो मोटामोटी 12 बजे लगभग फ़ोन किया था हमको कि हम अपना बड़ा भाई को मारे हैं। ऐसे तो बताया था कि हमको कि जमीन जायदाद बिताए वाला को लेकर के हमको फ़ोन में वो बताया। हकीकत तो उस समय हमको भी नहीं मालूम है फ़ोन में, और वो भी हकीकत क्या है अभी घर वाला ही बता पाएंगे। उसमें मीटर घर वाले क्या बता रहे हैं, घर मीटर तो अभी बता रहे हैं कि नहीं हमको डायन बोलता है बोल करके उसका बीबी को, तो उसका बीबी को मारने के लिए कान के निकाला था बोल रहा हूँ बांस गाजर तरफ, तो उसको बचाने जब गया ये साधु पूर्ति तो उसको जो बैल सबको लटका के रखते गुंडा उससे मार के उसको मरा दिया वहीं पर। जब सुबह आया तो देख रहे हैं घटना बिल्कुल सही है, और वो हमको फ़ोन करके बोल रहा था कि हम थाना जाएंगे, और थाना भी शायद सही सलामत पहुंच गया है उस समय 4 बजे करीबन पता चला है। तो इसलिए ये आपसी लड़ाई है। आपसी न्यूज़ विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।